गाइस फिर से आ गए आप लोग के सर में दर्द करने के लिए। आज का दिन एक्चुअली में होने जा रहा है बहुत ज़्यादा रोमांचक, बिकॉज जिस दिन का मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। एंड आज है मेरा इंटरव्यू, जब ये मेरा लेने वाले हैं आज सुशील जो कि किट में है मेरा इंटरव्यू। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो एंड आई एम प्रीटी नर्वस टू कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। मेरा ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है, आई रियली डोंट नो मेरे को क्या पूछेंगे और मैं क्या जवाब दूंगी। मैं बुकला ना जाऊँ, मैं घबरा ना जाऊँ, मेरे को बहुत उस चीज़ का टेंशन है। बस मेरे को ये ज़रूर पता है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, तो मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं घर में बता दी थी मेरे इंटरव्यू के बारे में, तो मेरे मम्मी पापा डेली पूछते बेटा आज हुआ, बेटा आज हुआ। आई वाज लाइक नहीं पापा आज नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया। बट आज फाइनली मेरा इंटरव्यू होने वाला है। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड आई एम प्रीटी नर्वस क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। मतलब बस मेरे को एक चीज़ पता है, मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, जो भी मेरे को एक्चुअली में फील होगा, जो मैं एक्चुअली फील करती हूँ, वट एवर द ट्रूथ इज मैं वही बोलूँगी। आई विल बी ट्रू टू माई सेल्फ, दैट्स इट। बाय। देखो भाई इंटरव्यू अच्छा जाएगा नहीं जाएगा वो मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरे हाथ में मेरा ओ टी डी है, आउटफिट ऑफ द डे वो मेरे हाथ में था, तो मैं आई गेस अच्छी दिख रही हूँ। आप लोग कमेंट में जरूर बताना मैं कैसे दिख रही हूँ। सो मैंने एक बहुत ही फॉर्मल सेट अप सेलेक्ट किया है, मेरे लिए बीच पैंट और ब्राउन टॉप्स। एंड ये इंटरव्यू मेरा किट में होने वाला है। एंड आज जो सुशील नेहा ने इनके पहले नेहा ने इनके से इंटरव्यू कर रखा है, तो आज सेकेंड मेरा है। एंड नेहा बोले कि पूरा मस्त इंसान है, पूरा खुला बोला, जो तेरे दिल में है बोल देना, कोई मतलब लोड नहीं है। एंड आरजे है तो उनको पता चल गया वो कितने ज़्यादा मतलब मज़ेदार होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब मैं बस नर्वस हूँ और कुछ नहीं। ये वही लड़की जिसको 15 दिन पहले मैंने भेजा था आज ये मेरे को भेजी है। थैंक यू मोटी, सही होगा ना? एकदम बढ़िया। मैं उधर तो गुद तो नहीं करूंगी कुछ, मैं भी वही सोच रही थी, बट वहाँ जाने के बाद अपने दिल की बात करना एंड सब जो तुझे फील होता है बता देना, इट विल बी सुपर। सो दैट मेरा जो ये जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, बट फिंगर्स एट रेस्ट एंड पहुँच गई। सो अभी मैं स्टूडियो में हूँ एंड मेरा रिकॉर्डिंग होने वाला था ये बड़े माइक से, क्योंकि मैंने बस टीवी में ही देखा था यार सच्ची में। एंड जो आज है वो बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक है, मेरा तो आवाज़ इतने में ही निकल रहा है। उन्होंने भी मेरे जर्नी के बारे में बताया, मैंने यही आवाज़ में बताया, मेरे को अपना लेवल अप करना पड़ेगा। गुड इवनिंग भुवनेश्वर, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कलिंग भारती 90.0 FM से हम हैं आरजे सुशील। एनर्जी आज इतनी ज्यादा बढ़ इसलिए गई है क्योंकि ऐसी कलाकार हमारे साथ जुड़ी हैं कि क्या ही बताएं दोस्तों, क्या नहीं करती हैं, एक्टिंग करती हैं, शायद तक आप तो सिंगिंग भी कर लेती होंगी, वो भी पूछूंगा मैं, बट एक्टिंग करती हैं, डांसिंग करती हैं और इतना जबरदस्त एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में मिलता है, मिनी व्लॉग्स में मिलता है कि हम बयां नहीं कर सकते। लेट्स वेलकम ऑन बोर्ड प्रियंका जैना जी। हेलो, कैसे हो? मैं मस्त हूं। बढ़िया, तो कैसा चल रहा है प्रियंका जी सब कुछ? सब चीज चल रहा है, बस सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ओके, थोड़ा पास। तो थोड़ा चलते हैं हम जर्नी की तरफ। आपने कहा कि चल रहा है, स्मूदली चल रहा है, तो ये स्मूदली कब से चल रहा है उस तक चाहेंगे थोड़ा। ओके, सो अब जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ जी, मुझे खुद नहीं पता जर्नी कब स्टार्ट हुआ, मैं बस कर रही हूँ एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन एंड ऑन। स्कूल से? नो, स्कूल से तो बस इंटरेस्ट था। ओके, एंड मैंने आई गेस 2 साल पहले से इसको फुल फ्लेज स्टार्ट कर लिया। क्या बात है, तो स्कूल मतलब कौन सी क्लास से हम ये बात कर रहे हैं, कौन सी क्लास में जब आप थे? स्कूल में तो मैं बस टिकटॉक करती थी पर टिकटॉक तो अब
जा चुका बैन है, हो गया बैन हो चुका है एंड टिकटॉक तब बैन हुआ जब मैं टिकटॉक में पीक में थी तब मेरे अराउंड 5,000 से 6,000 फॉलोअर्स थे एंड रीच भी अच्छा था। बाप रे बाप यार टिकटॉक मतलब टिकटॉक भी बहुत सही चल रहा था ना मतलब हाँ, सही सब तो चल रहा था बट अभी अगर मैं अपने टिकटॉक वीडियोस देखूं तो नहीं ना तो अब no. अब जैसा जैसा सिचुएशन है सही हुआ हाँ, जो अभी हुआ। सही हुआ है राइट तो तब आपने शुरुआत किया एक्टिंग करना स्टार्ट किया छोटे छोटे तो ड्रामा करते थे या क्या करते थे कैसे क्या एक्चुअली स्कूल्स वगैरह में ही मेरे को ये सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था डांसिंग में इंटरेस्ट था मैं को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट रहती थी सो तब से थोड़ा कीड़ा था इस चीज का एंड अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया कि मैं इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ। क्या बात है यार तो अभी अभी करेंटली आप क्या कुछ कर रही है कोई शो कर रही है या क्या नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं अभी मैं बस सोशल मीडिया में अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब बस उसी में हाँ। तो अभी ऐसे मतलब जब आइडियाज आते हैं तो अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग तरह तरह के वीडियोस बना रहे हैं बहुत सारे क्रिएटिव वीडियोस बना रहे हैं तो प्रियंका जिना जी उनमें से क्या अलग अपने वीडियोस में ला रही हैं ओके सो लाइक व्हाट इज द ट्विस्ट ऑफ प्रियंका जिना प्रियंका जिना सब कर सकती है सब कर सकती है राइट yes. right. तो ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपने ऐसे कुछ नया कुछ लाया है वीडियोस में ऐसा कुछ ऐसे मैं को सोच के नहीं बनाती हूँ कि लाइक मेरे को ये करना है वो करना है मेरे को जो मन करता है मैं वो करती हूँ इट्स लाइक डायरी जो होता है हाँ जैसे कि मैं रियल लाइफ में हूँ मैं वही चीज इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में शो करती हूँ मतलब जैसी प्रियंका जिना है yes. वो सोशल मीडिया में भी वैसी ही है रियल लाइफ में भी वैसी एग्जैक्टली कुछ ज्यादा नहीं जब मेरे को ज्यादा मन करेगा पू बनने का मैं पू बन जाती हूँ एंड जब मेरे को शुद्ध संस्कारी लड़की बनने का ही मन करेगा मैं वो भी बन जाती हूँ तो ये सही है यार ये पू वरी संस्कारी वाला गुड कॉम्बिनेशन बट सही है कि मतलब कोई चेंज ऐसा कुछ नहीं है दोनों में एकदम सेम हो क्योंकि लोगों के लाइफ में ऐसा होता है कि दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है और मैनेज करना पड़ता है तो आपके में वो चीज नहीं है तो आपके में मतलब एकदम चल रहा है तो भाई चल ही रहा है तो अभी कंटेंट जब शुरुआत में किया तो ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा था कुछ प्रॉब्लम हो रहा था सोचा था कि इस पीक में आ जाऊंगी मैं कुछ सोची नहीं थी ना अच्छा। मैं बस करती ही गई एक्चुअली मैं घर में सबसे बड़ी हूँ सबसे अच्छा, बड़ी तीन जनरेशन में पहली लड़की हूँ क्या तो बात मेरे है पे तो एक्सट्रीम प्रेशर था कि मैं ये सब चीज के बारे में सोच ही नहीं रही थी कि मेरे को ये सब चीज करना भी है मैं ये अपने सपने में भी नहीं सोची थी मैं इस लाइन में आऊंगी ना मेरे को मतलब ऐसे कुछ मैं करूंगी बोल के बट करते 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 कभी एक मेरे डेली लाइफ का पार्ट बन गया मेरे को समझ नहीं आया बस तो प्रियंका जना पढ़ाई में अच्छी थी एवरेज से थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर यार सही है मेरा एवरेज से सही है वहां नहीं जाते हैं गाइस अच्छी बात नहीं है कुछ लोग का एवरेज ही ठीक है बट आपका एवरेज के थोड़ा ऊपर था पढ़ाई ठीक है तो पढ़ाई आपकी किस चीज में हुई है क्या किया सो मैंने प्लस टू में कॉमर्स लिया ग्रेजुएशन भी कॉमर्स में था और मास्टर्स भी कॉमर्स तो घर में ऐसा किसी ने नहीं कहा कि यार बैंक बैंक में जॉब करो कुछ करो सीए कर रही थी ओके पहला एग्जाम क्लियर हो गया सेकंड एग्जाम में आ गया कोविड एंड मैं ये आपको सच्ची में बता रही हूँ मैंने अपने जिंदगी में जितना पढ़ाई नहीं किया था मैंने उतना कोविड में पढ़ाई किया ये सबको शौक लगेगा सब कोविड में मतलब कोविड में तो यार अलग ही मतलब बॉक्स हो गए हम लोग बंद हो गए थे यार मैं लिटरली 12-13 घंटे पढ़ाई करती थी बस एंड वो देख के मेरे पेरेंट्स चौंक गए कि मेरी बेटी को ये हो क्या गया बस मैं पढ़ाई करती हूँ तो मतलब घर में भी बोल रहे होंगे कोविड तो बढ़िया है वो तो सही बात है पर बात ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में फेल कभी नहीं हुआ था उसी एग्जाम में फेल हो गई इतना पढ़ने के बाद इतना पढ़ने के बाद में फेल हो गई उसके बाद मेरे को लग गया सदमा अब मैं क्या करूँ तब मेरे दोस्त लोग ना ये सब फील्ड में घुस गए थे तो मैं उनका हेल्प करती थी उनके शूट्स वगैरह में जाती थी मतलब जो चीज मतलब हम सब मिलके ही करते थे उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मेरे कजिन का शादी था तो उस टाइम में मैं फेल हो गई थी तो मेरे दिमाग में ये सब था कि यार मेरे को बुरा लग रहा है इतना मेहनत की जिंदगी में मेहनत घर में भी शायद कुछ बोले नहीं होंगे क्योंकि ऑफ कोर्स इतना पढ़ाई किया है मेहनत किया था तो उन्होंने कुछ बोला नहीं था तो उन्होंने बोला की बेटा तू ना एक महीने का ब्रेक ले ले तो चली जा शादी में सही तो है। मैं एक महीना शादी में ही गई एंड शादी में आप कहाँ गए थे शादी में मैं अपना गांव जाजपुर जाजपुर गई थी उधर तो लाइक एक महीना मैंने सिर्फ एंजॉय किया क्या बात है एंड उनका और मेरा वाइब मिल गया मेरे कजिन्स लोगों का मैं इतना दिन कभी रही नहीं तो हम लोग वीडियोस फोटोज वही बनाने लगे और मेरे को लगता था मेरे पास सबसे बेस्ट फोन है मेरे को लगता था तो लाइक मैं फोटोज वीडियोस जितना क्रिएटिव ये बनाते अभी दिमाग में अभी बनाते हैं एंड वहां से पता नहीं क्यों कैसे मेरे 3000 फॉलोअर्स थे एंड विद इन 3-4 months 10K हो गया मतलब ये जो शिफ्ट हुआ हाँ। और ऐसा कुछ कंटेंट आपने ऑफ कोर्स कुछ किया होगा ना यार मैं बस करती गई मुझे नहीं पता मैं क्या कि बस मैं करती क्योंकि रिलेटेबल ऑफ कोर्स लोगों को लग रहा है तब जाके उतना रीच पहुंच रहा है कुछ तो होगा मैं बस फोटो शूट्स करती थी मुझे शूट्स में इंटरेस्ट शूट्स में इंटरेस्ट मैं बस कैसे मतलब स्टाइलिश बन के शूट करूं
और उसके बाद डांस, डांस का जो क्रेज है आपका, आपने उड़ीसा से सीखा हुआ है, तो उड़ीसा आपने कितने साल सीखा हुआ? सो ये सबको लगता है कि मैं उड़ीसा बहुत सालों से सीख रही हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं. घर में मेरा ये सब पहले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं. मैं लिटरली रो रो के जाती थी, मुझे डांस करना है, पर मेरे घर में मुझे पढ़ाई करो, ट्यूशन जाओ, पढ़ाई करो. पूरा स्ट्रिक्ट, पूरा स्ट्रिक्ट. मेरे को तो ऐसे भी लगता था 10-12 तक मेरे पेरेंट्स मेरे को प्यार ही नहीं करते. ओह माय गॉड, मेरे को ऐसा लगता था आप लोग मुझे प्यार ही नहीं करते, डांस करने देते हो ना, एक्ट करने देते हो, कुछ नहीं करने देते, बस पढ़ाई करो. मुझे पू बनना है, मेरे को पू बनना है. बट मेरी मम्मी पापा ऐसे नहीं कि बिल्कुल मना करते थे, बहुत झगड़ा होता था उनका, मेरे बीच में डांस करना है, बट मेरे को नहीं अलाउ करते थे. पर जब मैं इधर आई एंड धीरे धीरे यहाँ पे मैं शिफ्ट की, मैं मतलब मैं जिस दिन पहला क्लास था मेरा ओडिसी का, मैं अभी आई गेस 8 महीने से ओडिसी सीख रही हूँ, इट्स जस्ट 8 months. उसमें भी मैं आधा दिन क्लास नहीं जा पाती, मेरे काम रहते हैं इधर. तो जैसे जैसे थोड़ा बहुत रात को आके प्रैक्टिस करना कि मैं जितना पुश कर सकती हूँ उतना करती हूँ. जिस दिन मेरा पहला क्लास था, मैंने पापा को कॉल किया बोलने के लिए, पापा मैंने ज्वाइन किया, पर मैं नहीं बोल पाई. नहीं बोल पाई, नहीं मतलब आज तक पता है कि नहीं पता है? अभी 2 महीने पहले पता चला. अभी ब्लास्ट हुआ है कि अभी अभी तो लाइक मैं पापा पापा गोटे भल काम अच्छी मुझे जाऊँची, भल काम अच्छी मुझे जाऊँची, कौन अच्छी अच्छी बस मत आशीर्वाद दियो हो जा बस. अभी पता चला है कि मैं क्यों, एंड लिटरली देयर इज अ चेंज. उन्होंने मेरे को अभी वो मेरे को इंक्वायर कर रहे थे कि लाइक तू ओडिसी क्लास जाऊ छु तो अच्छा, तो मिस होनी तो क्लास. अभी एक्चुअली मैं हाल ही में घर से आई हूँ, आई गेस 12 दिन का छुट्टी लेके. ओके, तो मैं ना ऐसे चलते फिरते प्रैक्टिस करती रहती हूँ, मेरे को याद आता तो मैं ऐसे ऐसे कुछ करती हूँ, फिर ऐसे आंख को इधर उधर करती हूँ, तो मेरे पापा मेरे को ऐसे देखते हैं क्या कर रही है. तो वैसे तो अब समझा दिया है ना बेसिकली? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं समझा है, वो खुद ही समझ. तो मतलब आपका सब ऐसा ही है कि सब हो जाता है? ऐसे नहीं, मतलब पहले मतलब आप काम करते रहते हो बाकी सब चीजें हो जाती है. पर आप कुछ बोल रहे थे, बताइए क्या? मैं भूल गई, ये भी होता है. मैं भूल गई. ये भी होता है. बट हाँ, ये डांस का जो चस्का है, मतलब ये स्टार्टिंग से है टीवी में. मम्मी तीन किसे देखा था? माधुरी दीक्षित. तो मम्मी 3 बजे सो जाती थी और मैं मम्मी का साड़ी मेरे को पहनना नहीं आता था, बस मैं ऐसे ओढ़ लेती थी एंड मैं कॉपी करती थी बस टीवी से. ये कौन सी क्लास की बात है? ये कौन सी क्लास की प्रियंका जी ने? मेरे नानू बोलते हैं मैं जब से चलना सीखी तब से मैं घुंघरू को ऐसे 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 करती हूँ, और मैं इतना जोर से करती हूँ उनको लगता है छत टूट जाएगा. बाप रे बाप. तो अभी तो परफॉर्मेंस वगैरह होता होगा यहाँ? नहीं, ओडिसी में ऐसा नहीं होता है. आप जब तक 2 साल एक्सपीरियंस नहीं होता एक डांस का, आप स्टेज में नहीं उतर सकते. अच्छा, ये एक चीज़ है. मतलब मेरे को ऐसा बताया गया है, शायद वो मेरे को इसलिए लोड दे रहे हैं सो दैट मैं जल्दी सीखूं. पर ये भी है कि मतलब आप रील वगैरह बना सकते हैं, मतलब ऐसा उसका कुछ इशू नहीं है, पर आप परफॉर्म कोई स्टेज पे जाने के लिए 2 साल एटलीस्ट. 2 साल नहीं, जब तक आप पूरा परफेक्ट नहीं होते, जब तक एवरीथिंग परफेक्ट, आंख से लेके मतलब बहुत सारे उसका बौखिया चौड़ा होता है, वो सब अगर वो सब नहीं हुआ है ना, आप नहीं जा सकते. मतलब बहुत सारी चीजें, क्योंकि इमोशंस कितना बखूबी तरीके से मेंटेन करके रखते हैं. लोग कहते हैं कि एक्टिंग में काफी ज्यादा इमोशन ये सब रहता है, पर डांस में जो इमोशंस उसके साथ तुमको डांस भी करना है बहुत मुश्किल है, तो कैसे उसको मैनेज? बात ये है कि एक्टिंग में ना आप अपना जायका डालते हो, राइट, बट ये जो डांस है वो सालों से चलते आए हैं. एक गुरु सिखाए हैं, उनका तब इमोशंस क्या था हमें नहीं पता था. वो क्या सोच के डांस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमारा खुद का होता तो हम इजीली उठा लेंगे, बट उनका इमोशन रीड करके खुद में डालना वो रोज नहीं होगा ना, तो नहीं. मैं एक डांस 8 महीने से सीख रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है मेरे से, मतलब इट्स स्टिल गोइंग. इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जाके, पापड़ बेलने के बाद जाके आता है. मैं 6 महीने प्रैक्टिस की तब जाके मैं एक डांस उठा पाई. और एक्टिंग में क्या चीज है इसमें आपको? नहीं पता आप एक्टिंग बोल रहे हो, अगर मैं क्योंकि नहीं, मैं वो जो वीडियोस देखा उसमें ऑफ कोर्स आपने एक्ट ही किया, तो सॉर्ट ऑफ एक्टिंग ही हुई. मैं रील्स की बात कर रहा हूँ जिसमें जो आप लोग साथ मिलके जो दोस्त लोग बनाते हैं उसकी बातें कर रहा हूँ. वो एक्चुअली है, वो रियली है, हम ऐसे ही रहते हैं. अच्छा, ऐसे ही रहते हैं, हमारा हर चीज नॉर्मल नहीं होता, इट्स एक्स्ट्रा केओटिक. ओके, एक्स्ट्रा, सब चीज एक्स्ट्रा है. तो वही चीज आप बस दिखा देते हो, वही चीज़. प्लस अभी आप ट्रैवल भी काफी कर रही हैं, तो ट्रैवलिंग में कहाँ जाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या उड़ीसा में ही पसंद है या बाहर भी जाना है, या क्या प्लान्स? मेरे को बीचेस बहुत ज्यादा पसंद है, एंड अभी बहुत माउंटेन्स हो गए, मैं माउंटेन्स अब नहीं जाना चाहती, मैं बीच जाना चाहती हूँ. तो माउंटेन्स में मतलब आप कहाँ कहाँ जा? कश्मीर गई एंड मैं गैंगटॉक गई हुई थी, मतलब बचपन से. कश्मीर आप शायद तक नेहा के साथ गए थे? यस, हम दोनों गए थे अपनी मम्मियों के लिए. हाँ, अलग ही वो तो था, एक बहुत अलग था. एंड मैं लिटरली ये चीज सोची थी मेरी मम्मी शायद बोर हो जाएगी, अडॉप्ट नहीं कर पाएगी, बट सबसे ज्यादा एंजॉय मेरी माँ की है. क्या बात, सबसे ज्यादा एंजॉय.
नेहा ने भी बोला था कि उसकी मम्मी ने भी काफी ज्यादा बहुत हम दोनों की हम क्या दोस्त हैं हमारी मम्मियां नई बीएफएफ से इन टाउन पता है आपको दोनों का व्हाट्सएप पूरा चल रहा होगा अभी वीडियो कॉल कॉल मतलब उनका बंद ही नहीं होता रोज बात करते दो दो घंटे बाप रे बाप तो अभी आप देख रहे हैं करके सब चीजें अभी अच्छी खासी हो गई अभी आपके फॉलोअर्स कितने हैं नेहा जी अभी मेरे 40,000 तो ये जो आपने 10 तो बोला कि 3-4 मंथ्स में हो गया अभी 40K आ चुके तो अब लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अब चीजें करनी है किस तरीके से ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट एंडोर्समेंट क्या करेंगे कैसे क्या होगा कुछ आता है दिमाग में या बस करना है अब बस करते रहो 10K जब हुआ था मेरा हाँ। तब मेरे को उतना खुशी नहीं हुआ था राइट बट जब 14K हुआ तब मेरे को ज्यादा खुशी हुआ था एंड तब से मैं रिस्पॉन्सिबल बन गई थी 14K से 14K बिकॉज मेरा अकाउंट 8 मंथ के लिए स्टक हो गया था It was stuck for 8 months. It was only degradation. Upgradation कुछ भी नहीं था बिल्कुल नहीं था एंड वो टाइम ही मेरे लाइफ का सबसे खराब टाइम था एंड जब 14K टच हुआ तब से शायद मैं पीछे मुड़के और नहीं देखी हूँ फॉर गॉड्स ग्रेस बढ़िया बस चल रहा है चल बढ़िया तो ये जो फील है ये जो मूवमेंट आपका लाइफ में आया कि नहीं यार अब इसको करना है तो आगे आपने और क्या प्लान्स किए हुए हैं कि कुछ नया होने वाला है या प्रियंका जी ना अब कुछ नया ट्विस्ट लाने वाली हैं क्या ऐसा कुछ जो लोगों ने अभी तक ऑडियंस ने नहीं देखा वो चीज प्रेजेंट करके प्रियंका जी ना वापस आएंगी सो द थिंग इज दैट कि मैं कुछ सोची ही नहीं हूं मैं जो सोचती हूँ वो होता नहीं है ये भी एक है क्योंकि ऑफ कोर्स 12 घंटे पढ़ाई किया था अब 12 जो चीज मैं सोची हूँ वो चीज नहीं हुआ है जो भी चीज प्लान की हूँ बट जो अनप्लान चीजें होते हैं ना आई जस्ट फील लाइक डूइंग इट मैं करती हूँ एंड इट गोस तो अभी मतलब आपने कुछ बिल्कुल कुछ भी प्लान नहीं किया मैं प्लान करती हूँ बट वो एग्जीक्यूट समहाउ ऐसे नहीं मेरे तरफ से नहीं हो पाता है बट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टेंसेस वो नहीं हो पाता है तो आई एम जस्ट लाइक जो हो रहा है जो मेरे हाथ में वो करती हूँ मैं ऐसे प्लान करके रखूँ नहीं हो पाया तो मैं डीमोटिवेट होती हूँ ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया बस जो है करते जाओ ऐसे परफेक्ट टाइम परफेक्ट चीज कभी नहीं आएगा इसलिए मतलब आपका टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है कब पोस्ट करना है क्या करना नो आई एम वेरी कंसिस्टेंट 2.5 साल से मेरा एक ही टाइम है 10:30 बजे उसी टाइम में जाता है पर अगर दो मतलब जैसे कि एडिटिंग में थोड़ा वो हो जाता है कि तुरंत तुरंत एक चीज आया तब चला जाता है नहीं तो 10:30 इन द मॉर्निंग 10:30 10 से 11 बजे के बीच एक चीज आया तब चला जाता है नहीं तो 10:30 इन द मॉर्निंग 10:30 10 से 11 बजे के बीच में मेरा पोस्ट जाएगा ही जाएगा और 9 बजे रात को व्लॉग जाएगा ही जाएगा और यूट्यूब और ये मिनी ब्लॉग दोनों आप बोल रहे हैं राइट क्योंकि मिनी ब्लॉग भी चल रहा है यूट्यूब भी चल रहा है तो यूट्यूब का अभी कितने सब्सक्राइबर्स चल रहे हैं अभी मेरे 3000 हुए हैं एंड मेरा अकाउंट को 7 महीने हुए हैं 7 महीने हुए हैं 3000 ऑलरेडी हिट कर चुके हो मतलब इंस्टाग्राम की पूरी ऑडियंस अभी धीरे धीरे यूट्यूब में आ रही है नहीं इंस्टाग्राम की नहीं आ रही यूट्यूब की अलग ऑडियंस है इसकी अलग ऑडियंस है हार्डली 300 से 400 मेरे इंस्टाग्राम से आए हैं बाकी सारा यूट्यूब तो यार मतलब क्या कहोगे यंग जनरेशन को जितने लोग अभी बच्चे कंटेंट बना रहे हैं सब चीजें कर रहे हैं अब आप लोग पहुंच गए हो 40 में धीरे धीरे आप 15 करोगे फिर धीरे धीरे 100K करोगे ऑफ कोर्स बिल्कुल करोगे जय जगन्नाथ भाई सब कुछ होगा बट अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं डेली बेसिस में कंटेंट बना रहे हैं फिर भी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही तो उनको क्या कहोगे कुछ कुछ नए नए लोग जो स्टार्ट करते हैं वो आते हैं मेरे पास बात करने का दीदी कैसे क्या होगा क्या नहीं तो वो लोग ना बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं अगर हम स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पहुंच जाएंगे बट वो अपना जर्नी जो है वो मतलब घिसना नहीं चाहते जस्ट वांट कि लाइक कैसे बस हो जाए हो जाए हो जाए 50K मिल जाए एग्जैक्टली तो तुम उतना रगड़ोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे ये चीज मैंने जब मैं बोली ना आपको मेरा 10K हुआ था मेरे को खुशी नहीं होता जब 14K हुआ तब मैं बहुत खुश थी बिकॉज 10K में ना 10K तक आपने बस बोला कि यार ठीक है यार हो गया तो हो गया नहीं मैं बस कंसिस्टेंट थी हार्ड वर्क मैंने नहीं किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बस डाल रही थी एंड क्लिक हो रहा था 13K तक मैं डाल रही थी क्लिक हो रहा था पर 13K से 14K मैं रगड़ ली फिर भी नहीं हुआ एंड तब जो स्टक हुआ उसके बाद जो आप उसकी अहमियत समझे हो नहीं मैं 13,000 तक परफेक्शन के पीछे भागती थी राइट पर मैं रियल जो चीज है वो चीज नहीं देखती थी मेरे को लगता था फेस ऐसा है मतलब ऐसा ही रहना चाहिए साइड लुक लेफ्ट लुक राइट लुक एग्जैक्टली पर इम्परफेक्शन इज द ब्यूटी इम्परफेक्शन इज द ब्यूटी गाइस तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है अगर आपके दिमाग में कोई कंटेंट आ रहा है तो हल्का सा जहन में हल्का सा पेपर में उतारिए हल्का सा बस प्लान आउट करिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है बस कर देना है राइट तो शुरुआत कर देने से होती है और वक्त के साथ फिर प्रोडक्शन बढ़ता है चीजें होती है समझ रहे हो ना
तो प्रोडक्शन बढ़ता है और उसके बाद आप प्लान आउट करके अच्छे से एक बढ़िया वीडियो बना सकते हैं, चाहे वो रील हो, चाहे वो एक शॉर्ट वीडियो, चाहे वो शॉर्ट एक मूवी हो। तो आगे कुछ प्लान्स, मूवी वगैरह, सीरियल वगैरह कुछ प्लानिंग? हॉलीवुड क्वीन कुछ प्रियंका जी ऑफर्स आए हैं क्योंकि मैं वहीं पे, ऑफ कोर्स वहां पे आने वाला। मम्मी हां नहीं जाना है। तो पहले भी तो ना ना हुआ था, अभी भी ना ना हो रहा है, तो क्या पता आप हाँ हाँ करवा दो, कुछ भी हो सकता है, पर वैसा स्क्रिप्ट भी मिलना चाहिए। राइट, तो वो चीजें भी देख रहे हो। तो बॉलीवुड ऐसा कुछ सोचा है, वेब सीरीज? मेरे को ये सब मैं सोची नहीं हूँ, जैसा मैंने बोला मैं बस किए जा रही हूँ काम अपना, अपने आप चीजें आ रहा है, मैं सोची नहीं हूँ। बस मेरा एक एम है, मुझे पोस्टर्स में आना है। पोस्टर्स में वो जो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता है उधर मेरा फोटो होना चाहिए। मैं अभी बस मेरे दिमाग में ये एक ही चीज है। तो ये अभी बेसिकली आपका मेन गोल है। हाँ। तो अभी जो ट्रैवल करने का अभी हम बात कर रहे थे, तो अभी आप रीसेंट अभी कुछ प्लान कर रहे हैं जाने का कहीं? हाँ। एक्चुअली जब हम लोग कश्मीर गए थे तो आते वक्त हमारे पास एक दिन का गैप था, मतलब लाइक जो ट्रेन हम कश्मीर से लेके आने वाले थे एंड दिल्ली वाला जो ट्रेन जो पकड़ने वाले थे उसमें आई गेस 23-24 hours का गैप था, एंड वही जो ट्रेन हम दिल्ली से उड़ीसा आने वाले थे वो वहां जाता, वृंदावन के थ्रू होके जाता। तो हम अपने मम्मियों का ऐसा सपना दिखा दिया कि मम्मी आते वक्त हम वृंदावन जाएंगे। क्या बात। एंड आते वक्त एक बहुत बड़ा कांड हो गया। क्या हो गया भाई? ऐसे लगा कि मेरे को ऐसा लगा कि लाइक ये भगवान का ही था कि हम लोग उनको बोले कि हम आएंगे पर हम नहीं आ पाए। सब पहुंच नहीं पाए बेसिकली, राइट? नहीं, हम लोग दिल्ली स्टेशन में 2.5 hours से वेट करें, ट्रेन आएगा। हाँ। ट्रेन यहाँ है। हाँ। और हम प्लेटफॉर्म में, नेहा ऐसे सोई है, मैं ऐसे सोई हूँ, मैं स्प्लिट्स विला देख रही हूँ, मेरी मम्मी बोल रही ट्रेन देख बेटा चला जाएगा, चला जाएगा। मम्मी टाइम है, आया नहीं है। ट्रेन गया, मैं बैग लेके उठी, अरे अभी आएगा ना ट्रेन, वो बोले कि चला गया। एंड नेहा मैं कि भाई चला गया हमारे मतलब आंखों के सामने से गॉन। हाँ, हम लोग ये ट्रेनर यहाँ बैठे हैं इतने दूरी में बस। तो ऑफ कोर्स उसमें तो फिर टेंशन ही क्या होगी कि हाँ आप तो चढ़ी जाएंगे। नहीं, वो ट्रेन है, हमें पता नहीं है वो ट्रेन है, वो ट्रेन वहीं पे है। वही तो, और हम लोग बस वहीं पर, हमें ऐसा लगा। और उस दिन था मेरा बर्थडे और मेरी मम्मी ने मेरे को विश नहीं किया, वो इतनी गुस्सा थी मेरे पे कि ये मतलब पूरा वहां से घुमा के लेके आ गया, सपना नहीं दिखाया वृंदावन का कृष्ण जी से मिलाने का और मिला ही नहीं। पर अब क्या सीन? अब ऐसा है, मैं मतलब मेंटली मैं मेकअप क्यों बिफोर दिस ईयर एंड्स, मतलब निहार मेरा दोनों का ये प्लान है, अपनी मम्मियों को लेके तो जाएंगे। पापा ने क्या गुनाह किया? पापा लोगों क्यों ले जा रहे हो? मेरा तो बहुत मन है पर पापा छुट्टी नहीं मिलता उनको। पर निहार में पापा को भी लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। उनका अलग ट्रिप होगा या मम्मी पापा के साथ? सब फैमिली ही जाएंगे बट उनको छुट्टी मिलना बहुत दिक्कत है। Right. तो अभी प्लान है मोस्टली वृंदावन। बिफोर दिस ईयर। चलो बढ़िया है, पर इस बार ट्रेन नहीं छोड़ना। नहीं, ट्रेन इस बार बगल में है। तो क्या हमारी प्रियंका जना स्पिरिचुअल है? बड़ी बात। किस कौन से भगवान? क्या कृष्णा जी? मैं महाभारत बहुत, ये मेरा 9th-10th time होगा मैं महाभारत देख रही हूँ। तो कृष्ण जी में ऐसी क्या खासियत आपको ज्यादा पसंद आती है? जब मैं महाभारत देखती हूँ एंड मेरे को ऐसा लगता है वो मेरे को ही बोल रहे हैं, एंड जिस दिन मतलब सोचो जैसे एक एक बार ना मन अच्छा नहीं लगता है तो उस दिन वो ऐसा कुछ बोल देते हैं उस वीडियो में, अरे यही तो मेरे को मतलब सुनना था कि एक एक आस होता है ना वो बोल देते हैं एंड कॉन्फिडेंस भर जाता है कि अरे हाँ यही तो मेरे को सुनना था, अच्छा ऐसा है। तो एक चीज है जो अभी मैं 6-7 months से पूरा ऐसे गांठ बांध के रखी हूँ, एक होता है ना मतलब उस टाइम मेरा एक बहुत खराब टाइम चल रहा था एंड आई वॉज रियली लो, यहाँ से मैं बहुत लो थी, मुझे कुछ मेरे पास सब चीज था फिर भी मैं काम नहीं कर रही थी, मैं इतनी लो हो गई थी। तो जब अर्जुन जी जो है उनके पुत्र जो है उनको वो डेथ हो गया था उनका अभिमन्यु का, तो अर्जुन जी जो थे ना वो बहुत ज्यादा फायर में आ गए थे, ऐसे कैसे मेरे पुत्र को मार दिए, सन को मार दिए, वो सब। तो कान्हा जी ने उनको बहुत समझाया था बट वो नहीं समझे एंड वो सब चीज त्याग करके दुनिया ध्वंस करने के लिए निकल गए थे। तो कृष्णा जी ने उनको उनके बेटे से मिलाया, तो उधर वो देखे कि ये सब मोहमाया है एंड ये कुछ नहीं है। तो अर्जुन जी ने बोला कि ये क्या चीज है, मैं कैसे ये चीज को हैंडल करूंगा जब ज्यादा खुश हो जाता हूँ कि दुखी हो जाता हूँ, मैं कैसे हैंडल करूंगा। तो कान्हा जी ने बोला था हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो समय है ये हमेशा नहीं रहेगा, चाहे वो अच्छा हो कि बुरा हो, बुरा टाइम भी चला जाएगा, अच्छा टाइम भी चला जाएगा, तो उतना दृढ़ता रखो कि सब चीज को तुम फेस कर पाओ।
राइट, मतलब वक्त है गुजर जाए। हाँ। तो यार ये बहुत अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा बिलीव करती हैं कृष्ण जी में, ये तो मुझे समझ आ गया। और ऑफ कोर्स आप ये ईयर एंड होते होते तो ऑफ कोर्स आप वृंदावन जा ही रही हैं, बस टिकट और ट्रेन ध्यान रखना। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई। अब चलते हैं थोड़ा व्लॉगिंग की तरफ। तो जब आप व्लॉग करते हैं तो ऐसा कुछ जहन में रहता है कि नहीं शॉर्ट्स ऐसे लेने हैं, कुछ कैमरा एंगल्स ऐसे होंगे, कुछ वीडियोस ऐसे बनेंगे, या बस गोइंग विद द फ्लो बस पता रहता? कुछ कुछ चीज, जैसे कि मैं अगर कुछ मस्ती करने जा रही हूँ तब मैं सोच के रखी थी कि अगर ये मस्ती करूँ तो मम्मी के साथ पहले से होता है। हाँ, वो चीज मस्ती जो होता है मम्मी को अगर मैं ऐसे करूँ तो इरिटेट होगी, तो वो प्री प्लान्ड होता है। राइट, भाई के साथ ये मस्ती करना है तो वो प्री प्लान्ड होता है, पर जो नॉर्मल चीज है वो नहीं होता है। मैं सुबह उठती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता, मैं बस कैमरा ऑन करती हूँ और मैं बोलती जाती हूँ, एंड पता नहीं वो 5-6 मिनट तक मैं बस बोलती ही जाती हूँ, फिर मेरे सर में दर्द हो जाता है कि मैं इतना क्यों बोल रही हूँ। मजेदार भाई साहब, मजेदार। तो अभी यूट्यूब तो ऑफकोर्स चलता ही रहेगा। 3K हो चुका है अभी, कोई टारगेट लिया है? बिल्कुल नहीं लिया कुछ टारगेट, मैं जस्ट अपने खुशी के लिए कर रही हूं, बस खुशी के लिए, बस खुशी के लिए। Nice. तो आप क्या क्या और मूवीज देखती हैं, क्या आपको पसंद है, प्लीज थोड़ा कुछ बताएं। ऐसे मतलब आप ना ऐसे कुछ मेरे बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मेरे को क्या पसंद है, मेरे को जो मन करता है मैं वो देखती हूँ। अभी मेरे को वीर ज़ारा मूवी पसंद था। बाप रे बाप, मतलब अभी जो रिसेंट। हाँ, हाँ। वीर ज़ारा मूवी पसंद था, फिर मेरे को स्त्री 2 पसंद आ गया। क्या बात है। फिर अभी मैं आमिश देख के आई हूँ, तीनों का मतलब पूरा अलग। आसामीज मूवी आमिश। हाँ, क्या पसंद आया आपको उसमें? कुछ पसंद नहीं आया, मैं बस बहुत ज्यादा मतलब क्यूरियस हो गई कि ये कैसे हो गया, ये मांस कैसे खा सकता है। आई एम ए नॉनवेज लवर, मैं डाई हार्ड नॉनवेज लवर, पर ये कैसे हो गया? अगर आप एक इंसान से इतना प्यार करते हो तो आप उसका फ्लैश कैसे खा सकते हो? मतलब तीन बहुत अलग जॉनर, पर मैं कुछ भी देख सकती हूँ मेरे मूड के अकॉर्डिंग। मैं आपको आमिस में एक और खासियत बताऊंगा, एज अ फिल्म मेकिंग स्टूडेंट आपने चेक किया होगा या नहीं मुझे पता, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उनका टच देखा है आपने एक भी स्टार्टिंग? नहीं, there was no touch. But still, last end में जब उन लोग साथ में जेल जा रहे होते हैं, तो that scene is a, भाई मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है कि यार भाई प्यार हो या ना हो, पर ये जो प्यार था ये अमर वाला प्यार था। तो आमिस मूवी काफी, और अगर आपने अगर नहीं देखी तो एक और मूवी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी रिसेंटली आई है विक्रांत मैसी की, Sector 36। सो नेटफ्लिक्स पे है ये, तो ये भी सॉर्ट ऑफ सोशियोपैथ ड्रामा, थोड़ा साइको वाला है, तो शायद तक आपको वो थ्रिलर पसंद आएगा। तो अगर क्या पता 4th नंबर वो बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो और इससे पहले कुछ ऐसी पुरानी मूवीज जो आपने देखी आपको पसंद आई? हाँ, कौन सी? श्री 420। ओके, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। जोकर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे को अच्छा लगता है। तो ये हॉलीवुड का मूवीज हो गया? नहीं, ये जोकर कौन सा? जोकर कौन सा बोला? जोकर वो था ना, मतलब राज कपूर का। राइट, मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर, क्योंकि आप जोकर बोले तो मुझे, मैं हॉलीवुड चला गया था, मेरा नाम लगाना भूल गया। तो मेरा नाम जोकर। सो बढ़िया है। सो अभी आगे, अभी तो बहुत सारी मूवीज आने वाली। कल की देखी आप? नहीं, पता नहीं, मेरे को ऐसे उसके नाम से मेरे को बोरिंग सा लगने लगा। आई माइट बी पूरा रॉन्ग, बस मेरा मूड नहीं हुआ। ओके, तो अभी तो कुछ और, अभी तो रिसेंटली कुछ आई नहीं है। कल की लोगों को, कुछ लोगों को बहुत पसंद आई है, किसी किसी को नहीं आई है। तो ये हमने बात कर ली यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की। तो अगर आप मैसेज दोगे यंगस्टर्स को तो क्या मैसेज दोगे कि अगर वो वीडियोस बना रहे हैं, इंस्टाग्राम बना रहे हैं, यूट्यूब बना रहे हैं, तो किस आज से बनाए या क्या सोच के बनाए? कोई नंबर सेट करें या बिल्कुल सेट ना करें, सिर्फ वीडियो ऑन करें और बनाए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप यंगस्टर्स को? मैं बस ये बोलूंगी कि लाइक बी योरसेल्फ एंड कुछ सोच के मत करो। एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी विद टाइम, बट कुछ सोचो मत कि मैं अगर ऐसे करूंगी तो ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। आप जब एक्सपेक्टेशन दूसरों को देख लेते हो ना, एंड आप उधर तक नहीं पहुंच पाते, तब आप डीमोटिवेट होते हो और करना ही छोड़ देते हो। तो जस्ट डू इट, अपने आप झक मार के सक्सेस आएगा। क्या बात है भाई, तो अपने आप झक मार के सक्सेस आएगा, ये चीज नोटिस कर लो। ये लाइन थी प्रियंका जिना जी की। तो बस चीज ये है कि काम करना है। Yes. काम अगर नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो कर्म करते चलो, फल की आशा मत करो। ये कान्हा जी बोलते हैं। कान्हा जी बोलते हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम ही समझ आ गया जब मैं उस टाइम लिंक रिकॉर्ड कर रहा था, आपने कहा कि यार ये तो मैं भी सोचती हूँ, तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल तो लिंक है भाई साहब। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो मैसेज भी मिल गया है, सब चीजें मिल गई हैं। कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो तो आ जाओ, बट ये है कि कभी कभी ऐसा दौर भी आएगा जहां पे आप स्टक हो जाओगे। Yes. तो तब डरना नहीं है, डरना नहीं, बस वीडियोस बनाते चलने हैं। कुछ अलग अगर करने की कोशिश करना चाहते हो तो करो, सर्व सब चीज करो भाई, फिर चेक करो कि कौन सी डिश सबसे ज्यादा अच्छी चल रही है। Yes. तो वही डिश को एक्चुअली आप बनाओगे ना बार बार, क्योंकि अगर वो डिश ही अच्छी नहीं है तो फिर बराबर सर्व करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई खाएगा नहीं। राइट,
तो ऐसी चीज सर्व करो भाई जो सबको पसंद आए। तो वो चीज आपको ढूंढनी है, वो ढूंढोगे कब? जब एक्सप्लोर करोगे। तो प्लीज एक्सप्लोर करते रहिए और सुनते रहिए हमें, यानी कलिंगा भारती 90.0 FM से। हमारे साथ थी प्रियंका जिना जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चिट चैट हुई है, बात किए हैं हमने एक्टिंग के बारे में, टोटल यार एंटरटेनमेंट के। भुवनेश्वर नमस्कार, जय जगन्नाथ, कलिंगा भारती 90.0 FM से हम हैं आरजे सुशील। एनर्जी आज इतनी ज्यादा बढ़ इसलिए गई है क्योंकि ऐसी कलाकार हमारे साथ जुड़ी हैं कि क्या ही बताएं दोस्तों, क्या नहीं करती हैं, एक्टिंग करती हैं, क्या बढ़िया। तो कैसा चल रहा है प्रियंका जी? सब कुछ चल रहा है, बस सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ओके, थोड़ा पास भी। मैं हूँ आरजे और हमारे साथ है सुशील। हाय आरजे सुशील। तो अभी मैं इनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ कि उनका जर्नी कैसा था। सो ओवर टू यू। प्लीज क्या सवाल है पूछे, हम फिर बताएंगे आपके जर्नी के बारे में। जरा देखिए माइक सेट प्लीज। वैसे हमें माइक की जरूरत नहीं, आवाज ही खतरनाक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हेलो गाइस, और प्रियंका जी की जितने भी फैन फॉलोइंग है, तो भाई आपने जो अगर वो जो सब्सक्राइब का बटन क्लिक किया है ना, तो उसको और क्लिक करो और लोगों तक पहुंचाओ, उनको भी बोलो फिर क्लिक करो। नहीं 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 होगा, जोक्स अपार्ट। तो जर्नी यार अब ऐसा कुछ किया नहीं है, बट एंकरिंग शुरुआत में किया करते थे, तो बहुत शुरुआत हुई थी ओपन माइक से। तो ओपन माइक में परफॉर्म किया, तो वहां से शुरुआत मिली कि यार एंकरिंग भी कर सकते हो आप। तो फिर मैं डीएन रेगालिया मॉल में मेरा सबसे पहला शो था जहाँ पे मैंने एंकरिंग की, और उसके बाद कारवा बढ़ते रहा, और अब कलिंगा स्टेडियम में मैं कर चुका हूँ होस्टिंग आईएसएल इंडियन सुपर लीग एएफसी। तो फुटबॉल मैचेस वहाँ पे होस्ट किए हैं, उसके बाद ये सब करने के साथ ही साथ डॉट फेस्ट वगैरह कर चुका हूँ, मॉडलिंग कर चुका हूँ, मॉडलिंग भी किया हूँ, एक्टिंग भी किया हूँ, शॉर्ट फिल्म वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई हैं, 50 आवर्स में शॉर्ट फिल्म बनाई हुई हैं, और लिखता भी हूँ। तो बिल्कुल कर सकती हूँ। सो द इंटरव्यू वाज रियली 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 गुड। मैं सोची नहीं थी मैं इतना कॉन्फिडेंटली सब चीज़ बोल पाऊंगी और इतना फ्रीली एंड नेचुरली मैं सब चीज़ बोल पाऊंगी। मैं बहुत कुछ सोच के गई थी कि मैं ये बोलूंगी, मैं वो बोलूंगी, बट पता नहीं उधर जाके कुछ दिमाग काम नहीं कर, जो मेरे दिल में आया मैं वो बोल दी। एंड अभी इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है, मैंने उनसे कुछ बात किया, फिर अभी लगी है मेरे को ज़ोरदार भूख, और पटिया के पास एक सरदार जी बोल के एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका खाना, सो उधर आके खा के चल जाऊँगी घर। वो मेरा खाना आ चुका है, टेस्टी बिरयानी। सरदार जी का खाना तो बहुत टेस्टी है, पर सरदार जी काफ़ी टाइम लगाते हैं, और सरदार जी के स्टाफ जो है वो काफ़ी कन्फ्यूज है, मतलब पूरा कन्फ्यूज आत्मा जैसे घूम रहे हैं। मैं उनको दो बार एक चीज़ बोलते रहो प्लीज डोंट माइंड, बट इनका सर्विसिंग बहुत ज्यादा खराब है, आई मस्ट से दैट। जैसे आज का दिन अच्छा गया है तो क्यों ना खुद को प्रसन्न किया जाए। सो मैं आ गई हूँ मेरा हैप्पी प्लेस मार्केट बिल्डिंग को, जहाँ पे मेरे को ना सब चीज़ खाली खाली दिखे, तो जल्दी से शॉपिंग करके मैं निकल जाऊँगी। मेरे को डेली यूज़ के कुछ कुछ पैंट्स चाहिए, तो मैं इधर आ गई हूँ डेली यूज़ के कुछ कुछ पैंट्स देखने के लिए। ये पैंट्स काफ़ी सही होते हैं एंड बहुत एस्थेटिक भी दिखते हैं, इनमें से कुछ कुछ ले जाऊँगी मेरे डेली यूज़ के लिए। यहाँ से ये एक दुकान है जहाँ पे हर चीज़ 200 अराउंड में मिलता है, सो मैंने अपने लिए दो पैंट लिया है 200 डेली यूज़ के लिए, बहुत ही एस्थेटिक दिखा मेरे को। तो ये आंटी के दुकान में आई थी एंड मेरे को ये वाला जो पेंडेंट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है, काफ़ी सुंदर एंड बहुत यूनिक है पूरा पिंटरेस्ट ही, बट ये बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे हैं कि ये वाला जो नेकलेस है वो 150 का है। आई डोंट वॉन्ट टू बाई इट, बट मेरे को ये इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि आई कांट रेजिस्ट, आई एम हैविंग अ डबल थॉट कि मैं इसको लूँ कि नहीं लूँ, बट ये कलेक्शन बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड बहुत यूनिक है। आई रियली डोंट नो मेरे को क्या करना चाहिए, आई एम हाइट कंफ्यूज। तो जैसे आपको मैं बोल रही हूँ, मेरे को अभी संबलपुरी प्रिंटेड ना था, तो लाइक अभी जैसे मेरे को संबलपुरी प्रिंटेड ड्रेस का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने अभी यहाँ से कुछ लिया है जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड दिस इज़ माई पैकेजिंग एंड ये टोटल मेरे को कॉस्ट किया 400 रुपीज़ का। दुकान से दो बेडशीट और पिलो कवर लिए, मस्त भैया है, इनका शॉप ज़रूर विजिट करना। बाय भैया।
आज का दिन मेरा बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा गया है, उसके वजह से मैं खुद को कुछ टिप करना चाहती हूँ। तो जैसे कि मुझे फ्लावर्स का भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन चढ़ा है, तो मैं अभी अपने आप को खुश करने के लिए कुछ फ्लावर्स लूँगी, अपने रूम को डेकोरेट करूँगी। आज का दिन गया अच्छा, से खुद को अच्छा फील कराना इज अ मस्ट थिंग। और इसको क्या बोलते हैं हमारे उड़िया में, तो इसको मल्ली बोलते हैं। और चौंपा फूल लिया है सो अपने घर में मैं अच्छे से डेकोरेट करूँगी, फिर कैंडल्स लगाऊंगी, अपने आप को बहुत अच्छा फील करूँगी। ये मतलब आज सुबह मैं सोची भी नहीं थी ऐसा दिन जाएगा। आज मैं सोची मैं ब्लॉग नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, चुपचाप सोऊंगी, क्योंकि सुबह मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा था। तो मैं सोची मैं सो ही जाऊंगी, बट आफ्टरनून को मेरे मैनेजर ने कॉल किया और उसने बोला कि आज ये काम है। उसने व्हाट, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, एंड आई हैड ए मीटिंग विद आरजे एंड मेरा इंटरव्यू लिया गया एंड इट वेंट सो 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 गुड। प्लस मैंने आज शॉपिंग भी किया, मैंने अपना फेवरेट बिरयानी भी खाया एंड ऑब्वियसली इट वॉज अ गुड डे। सो खुद को स्पेशल फील कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने फ्लावर्स भी लिया अपना रूम डेकोरेट करने के लिए, आज बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया बट नो रिग्रेट्स, अच्छा लग रहा है। सो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, हमारे सेविया ने बनाया मेरे नींबू पानी। सेविया नहीं, मैं तेरी धर्म पत्नी हूँ पागल, पति के लिए सेवा। तू मोटे आ रहे। अच्छा हाँ, तो मैंने अपनी पत्नी के लिए, मेरी पत्नी काम करती है और क्या बिहारी लोग गाते हैं ऐसे करके, ऐसे गाते नहीं है जुग जुग। कुछ भी और मैं पूछ भी किसको रही हूँ जो खुद लिरिक्स के डैश डैश कर देती है। चलो देखती हूँ, बढ़िया तुम बनाओगे और अच्छा नहीं लगेगा। क्लास तो आप क्यों कष्ट कर रहे हो आज पढ़ने, और नहीं बस इतना ही और बना नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। शिव तृप्ति गाइस, मैं नहा धो के फ्रेश होके आ चुकी हूँ। मैंने आज बहुत सारे कपड़े, 3 बाल्टी कपड़े धोए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाथरूम में भी नहा गई हुई है। सो अभी थोड़ा मेरा रूम मेस होके पड़ा है, मैं आई तो ये बैग इधर ही फेंक दी, ऐसे गिरा हुआ है। अभी थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करके टचअप करके फिर जैसे मैंने बोला था मैं एक प्यारा सा सेंटेड कैंडल लगाऊंगी या फिर धूप। आई एम कन्फ्यूज बिटवीन चंदन एंड मोगरा, आई रियली डोंट नो मैं क्या लगाऊंगी। बट बहुत दिन से मैंने सेंटेड कैंडल्स नहीं लगाए, तो मैं सेंटेड कैंडल्स लगाऊंगी एंड अच्छे से फ्लावर से अपने रूम को डेकोर करूंगी एंड मस्त से सोऊंगी। ऐसे ही फ्लावर से डेकोर करने से ज़्यादा मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है बहुत लाइवली है मेरा रूम। सो या जब सैया आए शाम को तो लग गए जाम तेरे नाम को। लटकाने का मेरे को स्पेस नहीं मिला, तो मैंने इसको अपने प्लांट में ही लटका दिया एंड मैंने जो चंपा फूल लाया था वो इधर लगा दिया। सो 4 चंपास फॉर अ सिंगल चंपा जस्ट लाइक मी एंड स्वीट, वेरी स्वीट, खुद का तारीफ खुद ही के मुँह से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आप बहुत ज़्यादा प्यार बरसाना, ऐसे ही मैं आगे बढ़ती रहूँ एंड आप लोगों को प्यारा 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 कॉन्टेंट देती रहूँ। मैंने सारा चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मेरे इंटरव्यू का, पर मैंने जितना किया उतना मैं आपको शेयर कर दूँगी। सो टाटा, टेक केयर।